सभी जाति के लोगों के लिए, जो आसानी से जान सकते हैं। और मैं इतने अच्छे और ट्रिक के साथ आपको उर्दू पढ़ाऊँगी कि आपको उर्दू पढ़ना आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसमें उर्दू भी बोली जाती है, इसलिए आपको उर्दू भी जानना चाहिए। मान लीजिए आप सिर्फ एक ही भाषा को जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अगर कोई और इंग्लिश बोलने वाला कोई आपको आकर स्टूपिड इडियट बास्टर्ड कहकर चला जाए, आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे वाह क्या इंग्लिश बोला है। या फिर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आपको कोई उर्दू में मगरूर मरदूर कमबख्त कहकर चला जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप सभी भाषा को जानें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बोर्ड लगा है उर्दू का, तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि उस पर जो उर्दू लिखा है वो आप लोग पढ़ सकें, या फिर कोई कमेंट उर्दू में कर रहा है तो आप लोग उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसलिए उर्दू भी जानना ज़रूरी है। और याद रहे, उर्दू एक भाषा है, जिस तरह हिंदी एक भाषा है और इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरह उर्दू भी एक भाषा है। लोग इसको टफ़ समझ लेते हैं कि उर्दू बहुत टफ़ है, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी, माइंड में घुसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो खड़ा लकीर है ना, इसको बोलते हैं अलिफ। इसको क्या बोलते हैं? अलिफ। इसको आप लोग एक बार देखिए, जब आप लोग हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट किए तो आप ए बी सी डी क ख ग याद किए होंगे, उसी तरह आप लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए ना ये जितने 38 लेटर हैं, जिस तरह हिंदी में 36 होते हैं और इंग्लिश में 26 होता है, उसी तरह उर्दू में 38 लेटर होते हैं, उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा और आप लोगों को लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अलिफ। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोला जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है अ। क्या होता है? अ। क्या बोल सकते हैं इसको? लेकिन आप इसको पढ़ेंगे अलिफ। ये है बे, देख रहे हैं बे, इसको बोलते हैं बे। देखिए हिंदी में भी मैं लिख दी हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। इसका प्रोनंसिएशन आवाज़ होता है जो, वो होता है ब, ठीक है। ये होता है पे, पे। इसका प्रोनंसिएशन आवाज़ जो होता है, निकलता है मुँह से, वो है प। ये है ते, इसका त होता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप इसको अ ब प त नहीं पढ़ने लगिएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी पढ़ते होंगे, ए बी सी डी, तो ए का मतलब अ होता है, बी का मतलब ब होता है, सी का मतलब स होता है, तो आप क्या इंग्लिश में अ ब स ड पढ़ने लगते हैं? नहीं ना, ए बी सी डी ही पढ़ते हैं। उसी तरह उर्दू में अलिफ का मतलब अ होता है, बे का मतलब ब होता है, तो आप इसको अ ब प नहीं पढ़िएगा, इसको अलिफ बे पे ते टे ही पढ़िएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है टे, इसका प्रोनंसिएशन होता है ट, ठीक है। ये होता है से, इसका प्रोनंसिएशन होता है स। और मैं आपको बताऊंगी कब आप लोग अ ब प त ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग अलिफ बे पे ते टे से। और ये होता है जीम, इसका प्रोनंसिएशन होता है ज। ये होता है चे, चे, इसको बोलते हैं हे। देखिए ऐसे, इस पर तीन नुक्ता है ना, इसको नुक्ता बोला जाता है, ये बिंदु को उर्दू में बोला जाता है नुक्ता, ये आप लोग ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। चे है, ये है हे, क्या इसका प्रोनंसिएशन होता है ह, हे। ये होता है खे, जरा इसको बनाकर आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि आप लोगों को लिखना है, इस तरह तो आप लोग समझ जाएंगे, लिखना भी ज़रूरी है ना। चलिए खे, इसका प्रोनंसिएशन ख। दाल से, ये क्या है? दाल, तो दाल का प्रोनंसिएशन द, आवाज़ जो निकलता है द। ये है डाल, ड। जाल, जाल। ये है रे, इसका प्रोनंसिएशन र। ये है रे, क्या है? रे। ये है रे और ये है रे, जरा ध्यान से प्रोनंस कीजिएगा, ठीक है। और ये है जे, क्या है? जे। ये देखिए, ये जीम है, इसका मतलब भी ज होता है, ये जे है, इसका मतलब भी ज होता है। इसमें जीम यानी कि ज और इसमें ज, 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 ठीक है। ये होता है, ये जे हो गया और ये होता है जे, समझिए जरा। ये जे, ये क्या हो गया? ये जे और ये हो गया जे, यानी कि थोड़ा आधा ज और ये उसमें भी मिला देना है, ठीक है। तो जे और ये जे, ठीक है। और ये है सीन, सीन का प्रोनंसिएशन क्या होगा? स। ये है, ये छोटी सीन है, इसको बड़ी सीन भी बोला जाता है, तो इसको ये ना बोलकर स और इसको श, छोटी सीन बड़ी सीन, स और श, ठीक है। स्वाद, ये क्या है? स्वाद।
जिसका प्रोनंसिएशन स होता है, ज्वाद, प्रोनंसिएशन ज, ठीक है। यह है तो, ता, देखिए तो भी लिख दी हूँ, जो यानी कि ज, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको जरा ध्यान दीजिएगा, जो का ज, एन का अ, अ, ठीक है। गैन देखिए, इसको बोलते हैं गैन, इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, ग। अब आप लोग इसमें खुद से ही बना दे सकते हैं, क ख, देखिए क हो गया, ख नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। चलिए इधर देखिए, इसको बोलते हैं फे, इस पर एक बिंदु रहेगा, इस पर एक बिंदु रहेगा, एक मिनट, ये हो गया बिंदु, क्या बोलते हैं फे, इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, फ। इसको बोलते हैं काफ, काफ, गला के साथ बोलना है काफ, इसका क्या होता है क, ठीक है, काफ हो गया, ये काफ हो गया, और इसको बोलते हैं काफ, ये काफ और ये काफ, इसका होता है क और ये होता है क, ठीक है। दोनों में अंतर है, इसके नीचे बिंदु लगा है, ये छोटी काफ, ये बड़ी काफ, ठीक है। इसको बोलते हैं गाफ, क्या बोलते हैं, गाफ, गला से बोलना है गाफ, ठीक है। इसको, ये है लाम, क्या है, लाम, इसका भी प्रोनंसिएशन क्या होता है, ल। ये है मीम, क्या है, मीम, म, नू, नून का, नून का क्या होगा प्रोनंसिएशन, न। वाव, वाव का व, ठीक है। हे का, ये छोटी हे है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये छोटी है और ये बड़ी है, कहाँ कहाँ है, ये छोटा काफ, ये छोटा काफ, ये बड़ा काफ, ये छोटी है उसी तरह ये छोटी है, ये जरा धीरे से बोलना है, और ये है, ठीक है। ये हमजा, हमजा का मतलब प्रोनंसिएशन अ होता है, तो हमजा, हमजा पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनंसिएशन अ होता है। ये है या, सॉरी छोटी ये का मतलब प्रोनंसिएशन जो होता है वो या होता है, छोटी ये, और ये है बड़ी ये, यहाँ पर भी ध्यान देने वाला, छोटी ये यानी कि ये, और ये बड़ी ये, ठीक है, समझ में आया। ये सॉफ्ट बोलना है, इसको हैवी बोलना है ताकत लगाकर, ये और बड़ी ये 36 लेटर है उर्दू का, ये आप लोगों को ध्यान देना है और इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है, बोल कर प्रैक्टिस करना है, आप लोग बोलेंगे आपको इसी तरह याद हो जाएगा बिना देखे, ठीक है। तो अलिफ बे थे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कब अ ब प त ट पढ़ाएगा, देखिए इसको जो बोलते हैं ना, ये वाली लाइन को इस तरह, इसको बोलते हैं जबर, क्या बोलते हैं, जबर। ये इसका जो प्रोनंसिएशन, ये जबर जो है जहाँ पर भी लग जाएगा ना, उसका प्रोनंसिएशन अ बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, अ। जबर जहाँ भी रहेगा वो क्या बनने लगेगा, अ। जरा ध्यान दीजिए, अलिफ पर जबर लगा कर देखिए, अलिफ पर जैसे जबर लगाएंगे, ये वाला उठाकर यहाँ पर लाई और जैसे ही अलिफ पर जबर लगा दी, इसको क्या बोलते हैं, जबर, तो क्या हो जाएगा, अलिफ जबर अ। इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है, जबर का अ होता है, अ। तो अलिफ पर जबर लगा दिए तो अलिफ जबर अ, बे पर जबर लगा दिए तो बे जबर ब, ठीक है। ते पे पर जबर लगा दिए तो पे जबर प, ते पर जबर लगा दिए तो ते जबर त, ते पर जबर लगा दिए तो ते जबर ट, ठीक है। इसी तरह से पर लगा देंगे तो से जबर स, जिम पर लगा देंगे तो जिम जबर ज, चे पर लगा देंगे तो चे जबर च। अब आपको इसको कम्प्लीटली बोल सकते हैं, अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, कम्प्लीट बोल सकते हैं कि ये अ है, ब है, प है, त है, ट है, स है, ज है, च है, क्योंकि इस पर जबर लग चुका है और जबर लगने की वजह से ही किसी वर्ड, किसी भी हर्फ का प्रोनंसिएशन अ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, जहाँ पर जबर लगेगा वह उसका प्रोनंसिएशन अ हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए जेर को, जेर का मतलब होता है ए, ए का यानी कि जेर जहाँ भी लगेगा ना, ये जेर, ये ऊपर लगता है जबर, और जेर जो होता है ना वो नीचे लगता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है ए। जरा लगा कर इस, किसी में भी आप लोग लगा सकते हैं, 38 वर्ड हर्फ है ना, इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए जबर लगाना था, जबर आप गाफ पर लगा सकते हैं, गाफ जबर ग, गाफ पर जबर लगा दिए तो ये गाफ था और गाफ जबर ग, ठीक है। अब जरा जेर, जेर को, जेर का प्रोनंसिएशन क्या होता है ए। अब जेर लगाइए इसमें, एक मिनट, मान लीजिए ये हो गया,
अलिफ पर जबर लगा दिए थे तो आ हो गया था। अब अलिफ पर जैसे ही जेर लगाएंगे, जेर एक मिनट, अलिफ पर जैसे ही जेर लगाएंगे, ये देखिए, तो अलिफ जेर, अलिफ जेर ए हो जाएगा, अलिफ जेर ए, ठीक है। उसके बाद बे पर जैसे जेर लगाएंगे तो बेजर, बे जेर बे, बे जेर बे। उसी पर, उसी तरह पे पर लगाएंगे तो पे जेर पे, यानी कि अब ये जो रहा था ना बे ब प त ट था, अब वो जेर में बदल जाएगा, यानी कि बे पे ते ते हो जाएगा। तो बे जेर बे, पे जेर पे, टे जेर ते, टे जेर ते। इसी तरह आप कोई भी वर्ड में लगा सकते हैं। शीन, ये मान लीजिए शीन है, इस शीन में लास्ट में जेर लगाइए, नीचे हमेशा नीचे लगता है, ज़बर ऊपर लगता है, हर्फ के ऊपर लगता है, और ये जो जेर लगता है ना वो हर्फ के, कोई भी लफ्ज़ के, सॉरी कोई भी अक्षर के नीचे लगता है। तो देख रहे हैं जितना भी ये अक्षर मैं लिखी हूँ हमेशा जेर को नीचे ही लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी नीचे ही लगाइएगा। तो शीन, मान लीजिए शीन पर जेर लगा दी तो शीन जेर से, ठीक है, शीन जेर से। उसी तरह लाम जेर, मान लीजिए लाम पर लगाना है तो लाम जेर ले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, इसको बोलते हैं पेश, इसको क्या बोलते हैं, पेश। इसका मतलब, इसका प्रोनंसिएशन होता है ओ, क्या बोलते हैं, ओ ओ। जैसे मान लीजिए अलिफ के, ये हमेशा पेश जो होता है ना ऊपर लगता है, जरा यहाँ पर मैं लिख दूँ, ज़बर हमेशा ऊपर लगता है, जेर हमेशा नीचे लगता है, पेश हमेशा ऊपर लगता है, ये ध्यान रखिएगा लोग। ये नहीं कि जेर समझ कर आप लोग ऊपर लगा दें, ऐसा नहीं, पेश हमेशा ऊपर लगता है। आइए देखते हैं पेश का प्रोनंसिएशन क्या होता है। ओ, अलिफ के ऊपर पेश लगाइए, क्योंकि पेश हमेशा ऊपर लगता है ना, हाँ। तो अलिफ के ऊपर पेश देखिए कैसे बनता है, ये छोटा सा इस तरह पेश, अलिफ पेश ओ, क्या हो गया, अलिफ पेश ओ, क्योंकि पेश का प्रोनंसिएशन होता है ओ, ठीक है। तो अलिफ पेश ओ। बे पर पेश लगाइए, बे पेश बो, ठीक है। उसी तरह आप जब पे पर लगाएंगे, एक मिनट, उसी तरह आप पे पर लगाएंगे, पे पेश पो, ते पेश तो, यानी कि लास्ट में ओ आ रहा है ना, तो ओ का प्रोनंसिएशन पेश करता है। कोई भी, कोई अक्षर पर, कोई भी लेटर पर लगाइए, नू पेश, नून पेश, नो, ये लीजिए डाल पेश, इसको बोला जाता है डाल, डाल पेश डो, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो इस, ये हो गया पेश। अब मान लीजिए लास्ट है एक जजम, ये छोटा सा जो होता है ना इसको बोलते हैं जजम, इसको क्या बोलते हैं, जजम। अब ये क्या होता है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा चिन्ह है, ऐसा सिंबल है जो किसी भी लेटर, यानी कि किसी भी हर्फ पर लग जाएगा ना, इसमें से किसी भी लेटर पर लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो लेटर किसी भी लेटर में जाकर जुड़ जाएगा। ज़रा समझिए बात को, मान लीजिए कि नू है, मीम ले लीजिए, मीम, नू कोई लीजिए, नू, नून है, नून, नून पर जब आप जजम लगा देंगे ना, जजम क्या होता है, नून पर आप जब जजम लगा देंगे तो अब ये ऐसा लेटर हो जाएगा ना जो कि किसी भी दूसरे लेटर में जाकर जुड़ जाएगा। अब ये ऐसा हो गया जो किसी दूसरे लेटर में जाकर जुड़ सकता है, इसमें से कोई भी एक लेटर लीजिए, मान लीजिए मा, मीम ले लीजिए, मीम, मीम। अब ये जो मीम है ना, ये नू इस मीम में जाकर जुड़ सकता है, यानी कि जैसे ही जजम किसी भी लेटर में जुड़ेगा, जजम किसी भी लेटर पर जाएगा, उस लेटर का किसी दूसरे में जुड़ने की ताकत आ जाएगी, ठीक है। तो नून क्या है, नून इस मीम में जुड़ सकता है क्योंकि इस पर जजम आ गया है। तो मीम और इसमें जब नून जोड़ देंगे तो ये देखिए जो मीम होता है ना, इसको थोड़ा इस तरह लिखा जाता है, ये हो गया मीम, देखिए इसमें मीम कहाँ है, ये है मीम, तो इसको लेकर आइए मीम और ये नून हो गया। तो और इस पर आप ज़बर जेर कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ज़बर लगाएंगे तो मा हो जाएगा, और ये ना, नून पर क्या हुआ है, जजम लगा है, यानी कि किसी चीज़, किसी दूसरे लेटर में क्या हुआ है, जुड़ा है जाकर, तो मीम ज़बर, और ये हो गया है नू पर जजम। तो अब आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, मीम नू ज़बर मन,
मीम नू जबर मन, क्योंकि नून पर क्या हुआ है, जजम लगा है, इसीलिए मीम अपने में नून को जोड़ लेगा, मीम नून को जोड़ लेगा क्योंकि नून पर क्या है, जबर है, सॉरी जजम है। तो मीम नू जबर मन, ठीक है। मान लीजिए दाल है, दाल दाल दिख रहा है यहाँ पे कहीं, ये है दाल, ये दाल, दाल का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द, ठीक है। ये दाल ले लीजिए, एक और एग्जांपल नून ही लीजिए, नून पर जजम लगा दीजिए, जिस पर इस हर्फ पर जजम लग गया, नून पर जजम लग गया, इसका मतलब ये किसी में जाकर जुड़ सकता है। देखिए दाल में जाकर जुड़ गया, तो दाल और नू, और दाल पर आप जबर लगा सकते हैं, जेर कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इस पर मीम पर जबर लगाए थे ना, तो दाल पर जेर लगा कर देखिए, तो दाल जेर, जब दाल जेर लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दिन, क्या होता है, दे दे, दाल जर दे, क्या होता है, दाल जर दे। और जैसे ही नू जुड़ गया तो दाल नू जर देन, क्या हो जाएगा, देन। मन तन सन इस तरह इसी जोड़ जोड़ कर बनता है, नू जोड़ने जो जजम होता है ना, जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए लिखना है मन, लिखा गया, और क्या हो सकता है, ले लीजिए आप जन, जन या फिर कोई भी ले सकते हैं, बन ले लीजिए, बन बनाना है, बन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बन सिंपल, छोटा छोटा स्टार्ट कीजिए, तब मैं आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेकर जाऊंगी। छोटा छोटा स्टार्ट करूंगी, पन मन तन सन ये लिखने का, फिर पानी नानी मामी ये सारा लिखवाऊंगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप लोग इतना देखिए, मान लीजिए पन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, प लीजिए, प कहाँ दिख रहा है, ये है प, कहाँ है, ये है प, तो इसको ना शॉर्टकट में प को इस तरह भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इस तरह प, क्या लिखा जाता है, इस तरह प, ये प हो गया। मान लीजिए ये प ले लिए, प ले लिए, और नून को लेना है, ये है नून, ठीक है। तो प और न जोड़ेंगे तभी तो पन बनेगा ना, पे और नून जोड़ेंगे तभी तो पन बनेगा, आपको पन बनाना है, तो पे प लिखना है, तो प कब आएगा, प का प्रोनाउंसिएशन कब होगा, जब उस पर जबर लगाएंगे, तो पे जबर प, ये हो गया प। अब बस न लगाना है, तो न कैसे लगाएंगे, नून लगाएंगे, नून लाइए, नून कैसे जुड़ेगा, ये तो अब अलग अलग हो गए। जोड़ने के लिए नून पर जजम लगा दीजिए, जैसे ही जजम लगाएंगे नून जाकर पे में जुड़ जाएगा, यानी कि पे अपने में जोड़ लेगा, और ये हो जाएगा प, और ये हो जाएगा न, यानी कि पे नू जबर पन, पन, ठीक है। इसी तरह आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, लम नौ, अपने से जो भी हो रहा है वो आप लोग खुद से बना सकते हैं। फन, फन मान लीजिए लिखना है, फन, एक और एग्जांपल लीजिए, फन, तो ये देखिए फे, फे क्या है, फे से प्रोनाउंसिएशन फ, तो मान लीजिए फ लीजिए, ये हो गया फ, ये फ हो गया ना फे, और नून लीजिए, नून फ, अब फ बनाना है तो जबर लगाएंगे, क्योंकि फे जबर फ, और नून जोड़ने के लिए, नून जोड़ने के लिए आपको इस पर नून पर जजम लगाना होगा, और जैसे ही नून पर जबर आएगा फे नून को अपने में जोड़ लेगा, और फे नू जबर फन हो जाएगा, ये लीजिए। हट, हट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हट, हे कहाँ है, हे ये है, हे, तो इसको शॉर्टकट में ना, हट को इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, ह ऐसे लिखा जाता है, इस ह को ना ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह नीचे देकर छोटा सा, इस तरह पेश की तरह, जिस तरह है ना उल्टा, इस तरह दिया जाता है, तो ये हो गया ह। और मान लीजिए ये ह गया, तो ह लिखने के लिए इस पर जबर लगाना पड़ेगा, ह, और फिर ट लाना है ना, तो ट ये है, तो हट, ठीक है, हट। मत, मत कैसे लिखेंगे, मीम किधर है, मीम ये है, मीम और ते, म त मत, तो म त मत। डर, तो ड किधर है, ड और र किधर है, र किधर गया, र ये, तो ड र, डर, देखिए कितना अच्छा हो गया, डर, मत, मीम, ते जबर मत, भले ही जबर जेर नहीं लिखा जाता है लेकिन पढ़ लिया जाता है। आप लोग
उसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क ख ग घ जिस तरह आप हिंदी में लिखते हैं ना क ख ग, उसको मैं उर्दू में लिखकर बताऊंगी। और टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बहुत जल्द सीखेंगे कैसे उर्दू में लिखा जाता है मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं खाऊं, बहुत जल्द सीखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाफट, और इसको लिखकर और बोलकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें आप और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे उर्दू में, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बोलकर, और हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट कर बताइएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, और आप लोग कितना एक्साइटेड हैं उर्दू को लेकर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।